Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Doing Verb क्या होता है और verb से related practices जो कि बच्चों को class first and second के बच्चों के लिए है और Olympiad exam में किस प्रकार के verb से related questions पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे. तो चलिए start करते हैं. Read the following sentence. Number one, Dia matches cartoons on TV every evening. Dia प्रत्येक शाम को टीवी पर कार्टून देखती है. Ruth play with a ball. Ruth जो है बॉल के साथ खेलता है. The colored word in the above sentence are action word or doing word. They tell us what something, someone is doing. यहाँ पे जो कलर वर्ड दिए गए हैं सेंटेंसेस में वो बता रहा है कि क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहा है, यानी जो किसी के बारे में कुछ बताया जाता है कि वो कौन सा काम कर रहा है. द वर्ड वॉच टेल अस दैट दिया डज एवरी इवनिंग से बताया जा रहा है कि दिया प्रत्येक शाम क्या कर रही है और रूथ क्या कर रहा है. तो एक्शन वर्ड, एक्शन क्या हो रहा है उनका. तो एक्शन वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन और एनिमल डज. यानी वर्ब एक शब्द है जो हमें बताता है कि पर्सन या एनिमल्स क्या करते हैं, उनके बारे में बताता है वो क्या काम कर रहे हैं, तो इसको हम वर्ब कहते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट डूइंग वर्ब फ्रॉम हेल्प वर्ब. गोस, थिंक, राइट, साइन, प्ले, ये वर्ड दिए गए हेल्प वर्ब. इसके हेल्प से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो दर्शन, सॉरी, द मून, साइन क्या हो गया, ये वाला हमारा हो रहा है द मून साइन इन द स्काई एट द नाइट. नंबर टू, आई प्ले क्रिकेट इन द पार्क. क्या हो गया, आई प्ले क्रिकेट इन द पार्क. नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे का सेंटेंस जो है क्या है. चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं. नंबर थ्री, फादर गोज टू ऑफिस बाय कार. यहाँ फादर क्या हो रहा है, ऑफिस जा रहे हैं बाय कार से. तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, गोज, ये हो गया गोज. नेक्स्ट, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ. यहाँ पे क्या हमने चूज करके लिखा, ड्रिंक. द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. टीचर्स क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं. तो राइट्स क्या हो गया हमारा, वर्ब. यानी ये एक्शन वर्ब है जो हमें बताता है कि क्या काम हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर बी, द मैच डूइंग वर्ड्स विद द कलर्ड पिक्चर्स. ये पिक्चर्स के साथ इसको हमें मैच करना है कि किसके क्या वर्ड हो रहे हैं. चलिए हम यहाँ देख लेते हैं. ड्रिंक, फ्लाई, क्लैप, कट, केक कटिंग हो रही है, एंड लाफ एंड डांस. ये क्या हो गया हमारा, हर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द डूइंग वर्ड वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इस सेंटेंस में हमें अंडरलाइन करना है कि वर्ब कौन सा है. तो अ लायन रोअर्स, रोअर्स मीन्स दहाड़ना. तो लायन क्या कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं. तो वर्ब क्या हो गया यहाँ पे, रोअर्स. अ काउ मूव्स, काउ बोल रहे हैं, काउ की आवाज को हम मूव बोलते हैं. एंड थ्री, मेनी एनिमल्स लिव्स इन द फॉरेस्ट. यानी एनिमल्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. लीव क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्ब हो रहा है. यहाँ पे देखिए वर्ब क्या हो रहा है, लीव, मॉस एंड रोड्स, ये तीनों हमारा वर्ब हो रहा है. चलिए आगे देख लेते हैं. नंबर फोर, अ पॉलेट, ये पॉलेट फ्लाई इन द प्लेट. तो क्या हो रहा है इसका, फ्लाई, फ्लाई जो हो रहा है इसका
हमारा वर्ब हो रहा है। नेक्स्ट हो जाता है फिशरमैन कैच फिश, फिशरमैन क्या हो रहा है कैच फिश, फिश को पकड़ रहे हैं, तो क्या हो गया वर्ब यहाँ पे कैच। नेक्स्ट नंबर सिक्स, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया लव हो गया हमारा यहाँ पर घर। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया फ्लाई, फ्लाई हमारा हो गया घर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है सिक्स भी हो गया, यूजिंग आई एन जी, अब ये वर्ब हटा देना है हमें। यूजिंग आई एन जी बिटवीन वर्ड्स, वेरी एक्शन मेनी एक्शन वर्ड एंड विथ द आई एन जी, आई एन जी लगा के हमें एक्शन वर्ड बनाना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि एक्शन वर्ड कैसे बनेगा आई एन जी लगा। यूजिंग आई एन जी बिटवीन वर्ड्स, मदर व्हाट आर डूइंग, आई एम रीडिंग स्टोरी बुक डियर नीमा, मदर पूछ रही है तुम क्या कर रही हो, नीमा, नीमा क्या बोलती है आई एम रीडिंग स्टोरी बुक, मैं क्या कर रही हूँ बुक पढ़ रही हूँ। टू यहाँ पे वर्ब हो गया जो आई एन जी लगा के डूइंग वर्ब हो गई, और रेड्स यहाँ वर्ब है जो आई एन जी लगा कर हमारा वर्ब बन रहा है, वर्ब के साथ हम एक्शन वर्ब के साथ लगा रहे हैं। द कलर वर्ड डूइंग एंड रीडिंग आर एक्शन वर्ड एंडिंग विथ आई एन जी गिवन बिलो द मोर एग्जाम्पल्स, हीना इज प्लेइंग चेस विथ हर ब्रदर, हीना क्या कर रही है अपने भाई के साथ चेस खेल रही है। द टेलर इज स्टिचिंग माई ड्रेस, टेलर हमारे कपड़े सिल रहा है। द कलर वर्ड प्लेइंग एंड स्टिचिंग आर ऑल्सो एक्शन वर्ड। When we talk about an action that is the doing, that is going on at the times of speaking, we use doing words with and, that end with ing. जब हम कोई action word लगाते हैं और at a time कोई काम हमें बताना होता है कि हम कर रहे हैं तो वहाँ पर ing word लगता है। Clean, ing, cleaning. Laugh, ing, laughing. इस प्रकार हमें ing लगा के verb बनाना है। नेक्स्ट हमारा इसी प्रकार हो जाता है ब्रेक आई एन जी ब्रेकिंग, रिंग आई एन जी रिंगिंग, स्लीप आई एन जी लगाकर स्लीपिंग, इट इटिंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग, कॉम फॉलो। वी नीड मेक सम चेंजेस व्हाइल एडिंग आई एन जी एंड सम डूइंग आई एन जी वर्ड, रन प्लस आई एन जी तो रनिंग हो गया, राइट प्लस आई एन जी राइटिंग, वेट प्लस आई एन जी वेटिंग, स्विम प्लस आई एन जी स्विमिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एम के साथ दो एम लग रहा है, राइट, राइट में क्या हो रहा है ई हटा दिया जा रहा है और आई एन जी लग रहा है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट टाइप के हमें आई एन जी लगा रहे हैं, जैसे रन आई एन जी डबल एन हमें लगाना होता है, आर यू एन फिर एन आई एन जी रन। उसी प्रकार वेक आई एन जी वेकिंग, ये हटाकर और फिर आई एन जी हम लगा रहे हैं। उसी प्रकार एड आई एन जी टू डूइंग वर्ड्स गिवन ब्रैकेट एंड फिल द ब्रैकेट ब्लैंक्स, पारुल एंड बीना आर प्लेइंग टुगेदर, आई एन जी लगा के हमें वर्ब के साथ आई एन जी लगाना सेंटेंस को कंप्लीट करना, तो प्ले का क्या हो गया प्लेइंग, दे आर स्किप स्किपिंग, शम गुप्ता इज अ पेंटर, सी इज ड्रॉइंग एंड पेंटिंग अ विलेज सीन, गीतू इज रनिंग विद हर पेट डॉग्स, सी इज स्माइलिंग, द फ्रॉग आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, स्विम दे आर इंजॉइंग एंड दे लुक हैप्पी इंजॉइंग। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। इसी प्रकार के ओलंपियाड एग्जाम में भी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एक्शन वर्ब दिए रहते हैं जिसे कि हमें पहचानना होता है कि कौन सा एक्शन वर्ब उसमें यूज होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।